लापरवाही 47 जिंदगियां लील गई। आखिर आंखों से बह रहे इन आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? एमपी के सीधी में हुआ बस हादसा, प्रशासन, शासन और सिस्टम तीनों पर सवाल है। मंगलवार को सुबह 7:30 बजे सतना जा रही एक बस बेकाबू होने के बाद सागर नहर में डूब गई। बस में नर्सिंग छात्र थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना दर्दनाक था। 25 फुट गहरे पानी में डूबी इस बस को आसानी से देख पाना भी मुमकिन नहीं हो रहा है। हादसे पर पहुंची रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही। हालांकि पानी से लबालब भरी इस नहर में बचाव कार्य में हो रही परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाणसागर डैम से नहर का पानी रोकने के आदेश दिए। करीब 7 घंटे बाद रेस्क्यू टीम पानी में डूबी बस को बाहर निकालने में कामयाब हो सकी। दिन भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 47 शव बरामद किए गए हैं। 44 भेजे जा चुके हैं और 3 और हैं, चूँकि एक जो है उनके परिवार के और भी हैं, उनके लिए वेट कर रहे हैं। 3 बाकी 2 के भी पीएम हो जाएंगे। सारे लोग आइडेंटिफाई हो चुके सर? आइडेंटिफाई हो। अभी सर क्या लग रहा सर कि लगभग कितने लोग लगभग मिसिंग होंगे सर? अभी मिसिंग का अब एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, चूँकि जो देखा है तो, लेकिन 4-5 और हो सकते हैं। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर शोक जताया, तो वहीं सीएम शिवराज ने अपने सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। स्थिति का जायजा लेने के लिए एमपी सरकार के 2 मंत्री भी मौके पर पहुंचे। सीएम के आदेश पर यहां पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट ने लोगों को ढांढस बंधाने की कोशिश की, तो लोग अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। इस हादसे के बाद सीएम शिवराज ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। मन बहुत व्यथित और दुखी है, भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। एक तरफ हादसे को लेकर शोक हो रहा है तो दूसरी तरफ राजनीति भी जोरों पर है। प्राथमिक अवस्थी में देखें तो स्थिति में ऐसा लगता है कि गलती ड्राइवर की है, क्योंकि गाड़ी की हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बोला कि जांच करो, तो सुबह ही पता किया कि आरडीओ के द्वारा गाड़ी की फिटनेस थी, गाड़ी का परमिट था और गाड़ी का बीमा भी था, तो उसमें कोई कमी नहीं थी। मार्ग जो 5 दिन से बाधित था, अगर वो बाधित नहीं होता तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। कहीं ना कहीं ये लापरवाही हुई है। दूसरा, जो स्टाफ नर्सेस का जो एग्ज़ाम्स था, उसका सेंटर जब ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो जिला मुख्यालय में करना चाहिए। कोई औचित्य नहीं था कि आप पूरे संभाग का सेंटर सतना में करें। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हादसे को लेकर राजनीति की बिसातें बिछनी शुरू हो गई हैं, लेकिन ये हादसा नासूर बनकर उन परिवारों की जिंदगी में मौजूद रहेगा जिन्होंने इसमें अपनों को खो दिया। ABP News, आपको रखे आगे।